शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। लॉकडाउन में शहर के 25,000 ऑटो चालकों पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। दिल्ली के केजरीवाल सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार भी शहर के ऑटो चालकों को कम से कम 5,000 रुपया दे, ऐसी मांग ऑटो संगठन के कार्याध्यक्ष धर्माजी बागड़े इन्होंने की है। शहर के ऑटो चालकों पर लॉकडाउन के चलते उनके कारोबार पर काफी असर गिरा था। लॉकडाउन के चलते ऑटो में कोई भी सवारी नहीं मिलती थी, जिससे भूखे मरने की नौबत शहर के सैकड़ों ऑटो चालकों पर आई थी। आज भी परिस्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। ऐसे में राज्य सरकार 5,000 रुपए हर ऑटो चालक मालिक को दे और उन्हें इस भूखमरी से बचाए, ऐसी जानकारी ऑटो संगठन के कार्याध्यक्ष धर्माजी बागड़े इन्होंने इनबीसीएन के समक्ष दी है। लॉकडाउन के चलते जहां ऑटो वाले के धंधे चौपट हो चुके हैं, उन पे भूखमरी की नौबत आ पड़ी है। इस समय में ऑटो संगठन के धर्मराज बागड़े जी हमारे साथ में है, उनसे जानना चाहेंगे। बागड़े साहब, ये बताए कि जिस तरह से ऑटो चालकों पे जो एक संकट जो गहरा हुआ है लॉकडाउन के चलते, क्या करना चाहोगे, सरकार से क्या मांग है आपकी? तो सबसे पहले मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगा कि आज 3 महीने का जो समय होते आ रहा है, सरकार ने, पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन भारत में करवाया है, इसलिए कि लोगों की जानें बचनी चाहिए, एक उद्देश्य है उसके पीछे जो कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन आज गोर गरीब श्रमिक, ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक, जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं, आज 3 महीने से भूखे प्यासे उनके परिवार पर भूख मरने की नौबत आ रही है और तड़प तड़प के जिंदगी जी रहे, और इसलिए सरकार ने इसकी ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और हमारी ये मांग है कि सरकार ने गरीबों के तरफ, ऑटो चालकों के तरफ, ई रिक्शा चालकों के तरफ, मजदूरों के तरफ इनको कम से कम 5,000 रुपए महीना सरकार ने देना चाहिए, क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं और ये भूखे मर रहे हैं और तड़प रहे हैं। और आज हम यहाँ पर नगर शोक के माध्यम से यहाँ पर जो हमने 250 ऑटो चालकों का एक निवेदन दिया है विजय नगर शोक को, विजय चुटेली जी को, तो उन्होंने सभी लोगों के लिए एक अनाज की जो किट है उसका वितरण किया है। लेकिन हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, मांग करते हैं कि हमने एक ऑटो रिक्शा जब उस वक्त लोन पर लिया तो सरकार को हमने एक ऑटो वाले ने 60,000 रुपए दिए है, एक ऑटो वाले ने। आज 10,000 ऑटो नागपुर में नए उठे तो 60 करोड़ रुपया सरकार के पास ऑटो चालकों का जा चुका है। और ऐसे कई 40 साल से हमने करोड़ों रुपए सरकार को दिए, जब आज हमारे गोर गरीब ऑटो चालकों भी पर मुसीबत आ रही है तो सरकार ने अपना मदद का हाथ ऑटो चालकों के लिए, गरीबों के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, यही मेरी मांग है और सरकार ने ये करना चाहिए। तो आप थे ऑटो संगठन के अध्यक्ष बागड़े, जिन्होंने बखूबी विभाग के साथ बात करते हुए ये बताया कि राज्य सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए और ऑटो वालों के ऊपर भी जो भूखमरी की जो नौबत आ पड़ी है और उनपे जीना कैसा एक सवाल बड़ा खड़ा हुआ है, उसके लिए कुछ अच्छा सोल्यूशन निकालना चाहिए, 5,000 रुपये उन्हें महीना भी देना चाहिए, ऐसा इन ऑटो संगठन का कहना है। एक बात तो तय है कि आज लोगों के घर में जब भी कोई बीमार व्यक्ति होता है, उसको अस्पताल में लेके जाने की जब बात आती है, तो ऐसे में वो ऑटो नहीं मिलने से वो जो बीमार व्यक्ति तड़प तड़प के घर में उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में शहर में ऑटो चलना बेहद जरूरी है, चाहे स्कूली बच्चे हो या सामाजिक कोई भी कार्य हो, बिना ऑटो के ये शहर के लोग नहीं चल सकते। इसीलिए ऑटो वाला संगठन हो या कोई चालक हो या मालक हो, उनके तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग शहर में जीने वाले ऑटो वालों के ऊपर में जो अब जो मुसीबत जो आ पड़ी है वो मात्र उनकी मुसीबत नहीं, पूरे देश की मुसीबत है। लेकिन देश की सेवा करने के लिए जिस तरह से सब लोग कामकाज कर रहे हैं, ऑटो वाले भी उसी तरह का कामकाज करते रहते हुए नजर आते हैं। ऑटो वालों को मदद करें, यही समय की मांग है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इन बीसी न्यूज़ नागपुर।